Yes, beta. Today's topic is model. I will explain today's model. What is the model? First of all, I want to tell you the meaning of model. Model bana hai mund se. ये जो मून होता है ना, मतलब मून मीन्स मन की बात. जो हम मन की बात, जो हम मन से कहते हैं किसी के बारे में या किसी से कुछ कहते हैं, जो हमारे मन में होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर पाते, दैट इज कॉल्ड मॉडल. ऐसे तो सिंपल सेंटेंस भी हम कह सकते हैं, है ना, लेकिन जो हम मॉडल की तरह यूज करते हैं उसमें हमारे जो मन की बात होती है वो निकल के आते हैं, उसको मॉडल कहते हैं. मॉडल होते कौन कौन से, यू हैव रीड अबाउट मॉडल इन 7th क्लास, ओके, यस 8th क्लास, यस मैम, ओके. Can, could, may, might, shall, will, should, must, need to, dare, could, has to, have to, और sorry, एक होता है had to. यही होते हैं ना मॉडल, यही पढ़े थे आपने, ओके. हम वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन, हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन मे. मे क्या होता है, मे यूज फॉर परमिशन, परमिशन लेना और देना, टेक और गिव, दोनों में एक्सप्लेन यूज होता है, परमिशन लेना और देना. देन पॉसिबिलिटी एंड ब्लेसिंग, दो तरह से यूज होता है, कई तरह से यूज होता है ये, परमिशन लेना और देना, पॉसिबिलिटी एंड और क्या होता है, पॉसिबिलिटी में यूज होता है, परमिशन लेना और देने में यूज होता है, और ब्लेसिंग में, जब हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं. परमिशन लेने और देने में कैसे, जैसे व्हेन यू वांट टू एंटर इन द क्लास, तो ये यू टेक परमिशन फ्रॉम योर टीचर, मे आई कम इन मैम, देखते हो ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, देखते हो ना. तो when you want to take permission in formal manner, मतलब जब हम formal manner में किसी से permission लेते हैं, when we will use me. जब हम formal manner में permission लेते हैं, formal से मतलब समझ में आता है, एक होता है informal, एक होता है formal. Formal मतलब जहां हमें एक discipline show करना होता है. जब हम किसी टीचर से, किसी बॉस से, किसी बड़े से परमिशन ले रहे होते हैं, देन वी विल यूज द मे. और एक होता है मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, मे बी टुमारो विल बी हॉलीडे, हो सकता है कल की छुट्टी हो, मे बी मतलब श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, मे बी ही इज राइट, हो सकता है मैं ठीक हूँ, मे बी ही इज राइट, हो सकता है वो ठीक हो. तो ये क्या हुई, ये पॉसिबिलिटी हुई, ही मे कम टूडे, क्या पता वो कल आज आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है आज आ जाए, है ना. तो ये क्या हुआ, पॉसिबिलिटी एंड यूज फॉर ब्लेसिंग, ये तो आप मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस, यू मे लिव लॉन्ग, बोलते हैं ना किसी की बर्थडे, यू मे लिव लॉन्ग, may you live long, may God bless you, or may his soul has rest in peace, मतलब जो जिस कहते हैं ना उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, ठीक है. तो एक ब्लेसिंग के लिए हो गया, इसके थ्री यूज हो गए, विश ब्लेसिंग्स के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, और परमिशन लेना या देना. क्लियर बेटा, मेक इट क्लियर. कैन, कैन का यूज किसके लिए यूज होता है, कैपेसिटी, परमिशन, इनफॉर्मल मैन. कैन का टू यूज है, एक तो कैपेसिटी, जब व्हेन वी, व्हेन आई वांट टू शो माई कैपेसिटी, तो देन वी यूज कैन. जैसे अगर मैं कहूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गो देयर, आई कैन, आई कैन रन हैवी बॉक्स, और बोलो, यस आई कैन रन फास्ट, I can run fast. Yes, I can run fast. Then there will be use of can. Okay, can use for show our ability. Clear, beta?
एक कैन यूज होता है परमिशन. अब हम कहेंगे कि परमिशन के लिए तो हमने मे को भी यूज किया था, अब कैन लिए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ कैन एंड मे फॉर टेक परमिशन और गिव परमिशन, क्या डिफरेंस है दोनों में? अब ये तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मे भी परमिशन के लिए यूज हो रहा है, कैन भी परमिशन के लिए यूज हो रहा है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, मे यूज फॉर फॉर्मल मैनर एंड कैन यूज फॉर इनफॉर्मल मैनर. नहीं हुआ क्लियर? व्हेन वी वांट टू टेक परमिशन फ्रॉम माय फ्रेंड, फ्रॉम माय सिस्टर या फ्रॉम माय ब्रदर, देन वी यूज देयर कैन, नॉट मे. क्योंकि हम फ्रेंडली हैं, हम फ्रेंड्स में कह रहे तो हमारा कोई बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट तो मैं फ्रेंड को देते नहीं, हम ब्रदर को और सिस्टर को कोई बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट तो देते नहीं, एज ए टीचर या एज माई बॉस और एज माई पेरेंट्स, ऐसे रेस्पेक्ट तो नहीं देते हैं उनको. ठीक है, तो देन वी यूज देयर कैन, नॉट मी. कैन आई टेक योर पेन, हम अपने फ्रेंड से यही बोलेंगे ना. देन आई टेक योर नोटबुक, है ना, तो वो कहेगा यू कैन टेक, आप ले सकते. ठीक है बेटा, तो जब हम फ्रेंड से या अपने मतलब गाइस कोई भी हो या आपके ब्रदर है सिस्टर है, हम किसी से भी परमिशन ले रहे हैं, देन वी यूज देयर क्या कैन, नॉट मी. मतलब आप ये नोट कर ले, हैव यू केप्ट योर नोटबुक विद यू नाउ, लेके बैठे हो? नहीं? यस मैम. बेटा जब भी ग्रामर का टॉपिक चला करे, एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर जरूर बैठा करिए, जिससे कि जो भी हो रहा है वो आप रिकॉर्ड करते, वो सॉरी मतलब नोट करते, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो हैंड टू हैंड नोट कर लिया करिए. ओके, वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप फिर द्वारा भी सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी नोट कर लिया करिए. तो मे यूज फॉर फॉर्मल मैनर एंड कैन यूज फॉर इनफॉर्मल मैनर, ये डिफरेंस याद रखिएगा दोनों. ठीक है बेटा, और देखिए एक और इसमें बात है, अगर मैं ये पूछ रही हूँ मैम से कि मे आई गो, तो इफ आई वांट टू गिव द आंसर इन नेगेटिव, यदि मैं उसका जवाब नेगेटिव में देना चाह रही हूँ, देन वी यूज देयर ओनली कैन, नॉट मे. मैं बोलूंगी नो यू कैन नॉट गो देयर, फिर मैं मे नहीं बोलूंगी, फिर हम मे नहीं बोल सकते नेगेटिव में अगर हमें उसको रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है. समझ में आ गया? यदि हमें किसी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है, उसने मे लगाकर पूछा है और हमें उसको परमिशन नहीं देनी है, तो वेल बी यूज देयर ओनली कैन, कैन नॉट, नॉट मे. मतलब ये नहीं है कि मे का आंसर परमिशन देने के लिए मे में ही करना है, अगर हमें रिजेक्ट करना है तो हम कैन लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे. ओके, मे आई टेक दिस थिंग, कोई भी, यू कैन नॉट टेक, फिर हम मे नहीं बोले. ये चीज भी नोट कर लेना कि अगर मे का रिक्वेस्ट हमें क्या करनी है, रिजेक्ट करनी है, तो वहां हम सिर्फ कैन का यूज कर सकते हैं, मे का यूज नहीं कर सकते. क्लियर? चलिए अब हम लेते हैं कुड को. कुड का मीन क्या होता है यूज? कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट, एबिलिटी इन द पास्ट और नरेशन. एबिलिटी इन द पास्ट, जिसे हमने कैन, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन रन फास्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट व्हेन वी टेल, व्हेन वी वांट टू टेल अबाउट माय पास्ट, यदि मैं अपनी किसी पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताना चाहती हूँ, देन वी यूज देयर कुड इन प्लेस ऑफ कैन. तो हम वहां कैन की जगह कुड का यूज करें. व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं यंग था, वे इन माय चाइल्डहुड आई कुड रन फास्ट, मैं अपने बचपन में तेज दौड़ा करता था. क्लियर? मतलब जब हम अपनी कोई पास्ट की हैबिट बताएंगे तो हम क्या करेंगे, When I was younger, I could run a mile. Yesterday, I could not find my purse. Yesterday, I could not find my purse. कल मैं जो अपना पर्स नहीं मिल पाया, नहीं ढूंढ सका मैं अपना पर्स,
लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल. लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल. वो लास्ट ईयर तो इंग्लिश अच्छी बोल ही नहीं पाती थी. क्लियर हुआ? तो अगर हम पास्ट की कोई अपनी एबिलिटी शो कर रहे हैं, अपनी या किसी और की, देन वी यूज देयर क्या कुड इन प्लेस ऑफ कैन. और कुड यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. जब हम किसी से पोलाइटली बेटा रिक्वेस्ट के लिए क्या वर्ड यूज होते हैं, रिक्वेस्ट के लिए वुड भी यूज होता है, विल भी यूज होता है, कैन भी यूज होता है, कुड भी. बट इनके लेवल में डिफरेंस होता है कि हम रिक्वेस्ट कितने पोलाइटली करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो कुड जो होता है वो पोलाइटली रिक्वेस्ट होती है. जैसे कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो. क्या प्लीज यू ओपन द विंडो ओपन कर देंगे. कुड यू टर्न म्यूजिक डाउन, क्या आप ये म्यूजिक दो मतलब स्लो कर लेंगे, डाउन कर लेंगे मतलब आवाज कम. कुड यू गिव मी अ लिफ्ट प्लीज, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे थोड़ी सी. ठीक है, तो कुड का यूज फॉर, कुड यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यूज फॉर पास्ट एबिलिटी एंड कुड यूज फॉर नरेशन. यू हैव यूज द नरेशन इन क्लास 7, पढ़े थे नरेशन. नरेशन में आपने पढ़ा होगा कि कैन चेंज इनटू कुड व्हेन वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. यस मैम, पढ़ा था ना, कैन चेंज इनटू कुड व्हेन वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. वहां भी कुड यूज होता है. जैसे ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग. अगर ये था कि ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा I can sing a song. That is a direct speech. Or when I want to change into indirect speech, then it will change to he said that he could sing a song. ये होगा ना? Can in change into could in the indirect. There are three uses of could. There are three uses of could. Could use for polite request. Could use for past ability. And could use for in narration. Clear? Now I want to explain must. What is the use of must? Must use for, देखिए बेटा, ये should भी है और यहाँ must भी है. देखो, should भी लिखा हुआ है, must. दोनों का meaning same है. Should means भी चाहिए होता है, must means भी चाहिए होता है. और what is the difference in use of must and should? क्या डिफरेंस है दोनों का मीन चाहिए. पहले मैं मस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्टली आई एम एक्सप्लेनिंग द मस्ट कि मस्ट का क्या यूज है. मस्ट यूज फॉर चाहिए ही है, बट मस्ट यूज फॉर कंपल्शन. जहां बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. इफ आई फेल इन दिस ईयर, देन इन नेक्स्ट ईयर I must work hard to get the passing mark. Mam, requirement. हाँ, requirement कह सकते हैं, compulsion कह सकते हैं, मजबूरी है हमारी कि हमें पास होने के लिए hard work करना ही पड़ेगा और कोई option ही नहीं है हमारे पास. If I am sick, I must go to the doctor. और कोई option ही नहीं है मेरे पास. अगर मैं बीमार हूँ या तुम बीमार हो, इफ यू आर सिक, तो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर. जाना ही पड़ेगा या चल जाएगा काम, बताओ. जाना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. जहाँ हमें yes, वो काम करना ही है, बिना करे काम चलेगा ही नहीं, देन वी यूज देयर मस्ट. क्लियर बेटा? जहाँ हमारी कंपल्शन है, जहाँ हमें के सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें वहां मस्ट यूज करना है, शुड यूज नहीं करना. मस्ट हमारी ही मस्ट ऑब्लाइज फॉर हिज मिस्टेक, मतलब उसे ऑब्लाइज होना चाहिए अपनी मिस्टेक के लिए, अपनी मिस्टेक माननी चाहिए, उसके लिए उसे माफी.
and his mother is not well, he must take care of his mother. उसकी मदर ठीक नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी मदर की टेक केयर करनी चाहिए. अ टीचर मस्ट टीच हिज स्टूडेंट अबाउट डिसिप्लिन. एक टीचर का ये कि उसको अपने स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाना ही चाहिए, एडिकेट सिखाने ही चाहिए. एक होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और ये जो मैंने अभी बताया वो तो खैर प्रोबेबिलिटी मीन्स कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य है. तो वही एक मस्ट का यूज होता है. प्रोबेबिलिटी मतलब हाँ संभव, ही मस्ट भी दे, जैसे हम हमें किसी का पता है तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि वो उसे वहां होना ही चाहिए, वो वहां होगा ही. समझ में आ रहा है? जैसे हमें योर फोन स्विच ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरीड. तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है, तुम्हारी मदर चिंतित होगी ही होगी. ये पक्का है कि अगर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है तो तुम्हारी मदर क्या होगी, वरीड होगी ही तुम्हारे बारे में. ये पक्का है बिल्कुल, जो बिल्कुल श्योर हो वहां हम यूज करते हैं. क्लियर हो गया बेटा? पॉसिबिलिटी और मस्ट यूज फॉर कंपल्शन, मस्ट यूज फॉर मतलब देयर इज नो ऑप्शन, जहां हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वो वर्क करना ही. देन देयर विल बी यूज ऑफ मस्ट. क्लियर? और शुड का कहां यूज होता है? शुड, शुड मीन्स भी चाहिए होता है. हमने मस्ट का तो क्लियर कर दिया. शुड यूज फॉर एडवाइस, हमें एडवाइस ही देते हैं. यू शुड गो देयर, you should work hard, you should drive slowly, is that true always? ye bolte hai na, you should live in discipline. Isme student ki marzi hai, matlab jisko hum advice dene uski marzi ki wo us baat ko mane ya na mane, humne advice di wo ma'am jaise suggestion. हाँ बेटा, सजेशन एडवाइस सेम थिंग. भाई हमने सजेशन दे दिया कि यू शुड अटेंड द क्लास, दे दी भाई तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए, ऑनलाइन क्लास जिस सब्जेक्ट की भी चलिए, यू शुड अटेंड ऑल क्लासेस. ओके, तुम मान भी सकते हो इस बात को, नहीं भी मान सकते हो, ये तो तुम्हारी मर्जी है. और आउट ऑफ 47 इस समय कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट्स है. उनकी मर्जी चल रही है ना, उनको पता है टीचर मेरे घर तो मुझे डांटने आएगी नहीं, मुझे कुछ कहने आएगी नहीं. ओके, तो ठीक है जी. सुरेशी क्या प्रॉब्लम है बेटा, बार बार कैसे एडमिट हो रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है. चले, ये हमारा माइक्रोफोन, ये जो ब्लूटूथ है जाने वाला है, इसे चार्जिंग मांग रहा है. चल, लेकिन बेटा फिर भी आपने वैसे मॉडल्स पढ़े हुए, आई हैव सेंट यू द पीडीएफ एंड एक्सरसाइज, यू बी हैव कंप्लीट. यस मैम, मॉडल्स तो सेवेंथ क्लास से भी थे. यस मैम, यस मैम.